आज का जो आपका टॉपिक है वह है एप्लीकेशन ऑफ कोलराजला एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ कोलराजला, फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम डिनोट किससे करते हैं? के डब्ल्यू से। के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस इन मोल्स पर लीटर। तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की वैल्यू हम 298 केल्विन पे निकाले, एट 298 केल्विन। तो उस पे हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जो वाटर की, वो क्या होती है? 5.54 इंटू में 10 की पावर -8 पर ओम पर सेंटीमीटर। हमें आयनिक कंडक्टेंस पता एच पॉजिटिव की और ओ एच नेगेटिव की। तो आपके पास लेमडा नॉट एच पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है? 349.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वेयर। आयनिक कंडक्टेंस आपके पास ओ एच नेगेटिव की क्या होती है? 199.1 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमने कोलराज लॉ से मोलर आयनिक कंडक्टेंस कैसे निकालते थे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस H2O का, लैम्डा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो आपके पास इसकी वैल्यू थी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव की 349.6, लैम्डा OH नेगेटिव की वैल्यू थी आपके पास 199.1। तो आपके पास ये आंसर आ गया था 548.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपने मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, वो क्या था? लैम्डा इक्वल टू गप्पा इनटू में 1000 बाय में सी। तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास? गप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय लैम्डा, मोलर कंडक्टेंस। आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या थी? आपके पास 5.54 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में 1000 और डिवाइड बाय पास 548.7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंसेंट्रेशन की वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10 की पावर -7 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हमें अब कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव आयंस की पता चल गई, तो हमारे पास ओ एच नेगेटिव आयंस की इक्वल होती है। तो हमें दोनों की वैल्यू पता होगी तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। के डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.01 इंटू 10 की पावर -7 इंटू में 1.01 इंटू में 10 की पावर -7। तो ये आ गया हमारे पास 1.02 इंटू में 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सेपरेंशियली सॉलिबल साल्ट। हमारे पास जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये वेरी लो कंसेंट्रेशन में डिजोल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेपरेंशियली सॉलिबल साल्ट। जो ये सॉल्यूशन बनाते हैं वो बहुत ही डाइल्यूट बनाते हैं, तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या अप्रोच करेगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा है हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अप्रोच करेगी। सॉल्यूशन अगर हमारे पास सेचुरेटेड है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या ले सकते हैं? सॉलिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास रिलेशन फाइंड आउट क्या था? लैम्डा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में, लैम्डा इक्वल टू गप्पा इंटू में 1000 बाय में एस। सी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एस, एस सॉलिबिलिटी आपके पास, और लैम्डा एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे? लैम्डा एम नॉट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? गप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट हम फाइंड आउट करेंगे, अप्लाई करेंगे कोलराज लॉ से। नेक्स्ट आपके पास डिटरमिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। हमने एक्सपेरिमेंटली सॉलिबल साल्ट ले लिया ए बी,
उसको डिसोसिएट हो गया वो वाटर में, पर वेरी लो कंसेंट्रेशन में होगा. तो ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा, वो क्या होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव डिवाइड बाय ए बी सॉलिड, जो के सी इंटू में के, ए बी है वो हमारे पास जो मोलर कंसेंट्रेशन है सॉलिड की, वो हम मान लेते हैं कांस्टेंट है के. तो के सी इंटू में के किसके इक्वल हो गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. तो इसको हम कह देते हैं के एस पी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसेंट्रेशन फॉर ए कांस्टेंट सॉल्यूशन. तो ये आपके पास हो गया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्परेंचली सोलिबल साल्ट का. हमने एक ले लिया ए एक्स बी वाई इलेक्ट्रोलाइट, उसको डिसोसिएट हो गया वो वाटर में, तो वो आपके पास क्या होगा, एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव. तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट उसका कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, के एस पी इक्वल टू ए वाई पॉजिटिव, एक्स के कितने मोल्स है वो पावर में आ जाएंगे, प्लस बी एक्स नेगेटिव, वाई के कितने मोल है वो आपके पास पावर में आ जाएंगे. ठीक है, तो ए वाई पॉजिटिव आपके पास क्या होगा, एक्स एस, और बी एक्स नेगेटिव क्या होगा आपके पास, वाई एस के इक्वल होगा. ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास के एस पी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एस एक्स और ये वाई एस वाई. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का एग्जांपल है हमारे पास Ca3PO42. तो ये डिसोसिएट होगा तो ये किसमें होगा, 3Ca2 पॉजिटिव प्लस 2PO43 नेगेटिव. तो एक्स की वैल्यू तो है यहाँ पे हमारे पास 3, वाई की वैल्यू है हमारे पास 2, जो केएसपी की वैल्यू आई थी हमारे पास उसमें हम पुट करेंगे एक्स एस. तो एक्स की वैल्यू है 3, एस पे हमारे पास, और एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास 3, वो इनटू में 2s, वाई की वैल्यू है 2s उसका स्क्वेयर. तो ये आ गया हमारे पास 9s³ इनटू में 4s², तो ये आ गया हमारे पास 36s⁵. नेक्स्ट आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंडक्टेंस की मेजरमेंट करने की. इसमें हम डिटरमाइन करते हैं एंड पॉइंट वेरियस टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के लिए. इसमें जो हम टाइट्रेशन करते हैं, ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन ऐड करते हैं और ब्यूरेट से हम टाइट्रेशन फ्लास्क में ऐड करते हैं सॉल्यूशन. उससे नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के चेंज हो जाते हैं. नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के चेंज होंगे तो कंडक्टेंस भी हमारे पास चेंज होंगे. तो हम प्लॉट किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट. उसमें हम टू नियर कर्व्स ऑब्टेंड करेंगे. ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व्स होगी आपके पास जैसे ये, तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट होगा. तो हमने सम वेरियस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्कस किए. देखो सबसे पहले टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस. आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो आपके पास बना NaCl, साल्ट बन गया प्लस H2O. ठीक है, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है जो आपके पास वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी, तो वो ग्रेटर देन होते हैं. उसके बाद होती है साल्ट की हमारे पास. फिर सबसे लोवेस्ट किसकी होती है, वीक एसिड, क्योंकि वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं वीक बेस. अब हमारे पास ग्राफ प्लॉट करते हैं हम किस किस के बीच में, वॉल्यूम ऑफ NaOH और ये है हमारे पास कंडक्टेंस. जब हमारे पास NaOH की हमने कोई भी ड्रॉप्स
HCl में मिक्स नहीं करी। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कंडक्टेंस है। जब उसमें हमने NOH के ड्रॉप्स ऐड करना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होता है, NaCl फॉर्म्ड होता है। NaCl फॉर्म्ड हो रहा है तो साल्ट हो रहा है, साल्ट की कंडक्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपके पास HCl की कंप्लीट रिएक्शन हो जाए NOH के साथ। जब फिर हम इसमें NOH डालेंगे ड्रॉप्स उसके बाद, तो NOH क्या हमें देगा, डिसोसिएट होगा वो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयंस आने के कारण कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड आपने यहाँ पर ले लिया एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है NaOH, दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, आपके पास क्या बना, CH3COONa+H2O। H2O क्या यहाँ पे वीकली आयनाइज्ड है। जो आपके पास यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो आपका साल्ट बनता है वो कौन सा साल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपके पास साल्ट बनता है। अब NaOH आपने बी रेट में ले रखा है, ठीक है, तो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये आपके पास है कंडक्टेंस। जब हमने कंडक्टेंस क्या हुई, हमारे पास एसिटिक एसिड है तो उसकी कंडक्टेंस वीकली आयनाइज्ड है, तो हमारे पास उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि ये क्या है, वीकली आयनाइज्ड है, तो कंडक्टेंस भी वीक। हमने सपोज कर ली यहाँ पे है उसकी कंडक्टेंस। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्ड हो रहा है, NOH की ड्रॉप्स हमने स्टार्ट करी, ऐड करनी स्टार्ट करी टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग साल्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्ड हो रहा है CH3COONa, तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आपके पास एसिटिक एसिड की रिएक्शन कंप्लीट हो जाए NaOH के साथ, फिर इसमें हम NaOH डालेंगे कोई भी ड्रॉप्स, तो आपके पास यहाँ पे NaOH से क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आ जाने के कारण इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ये इसका एंड पॉइंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमने ले लिया HCl, वीक बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O। अब आपके पास HCl है, वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। कंडक्टेंस आप ये मेजर कर लो यहाँ पे, ये है वॉल्यूम ऑफ एल्काइली NH4OH और यहाँ पे आपके पास कंडक्टेंस। ठीक है, HCl क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। तो सपोज कर लिया आपने यहाँ पे है, जब आपने NH4OH ऐड नहीं किया था, अब आपने इसमें NH4OH ऐड कर दिया, तो इसमें आपके पास क्या फॉर्म्ड हो गया, NH4Cl नेगेटिव, तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये क्या है, साल्ट NH4Cl नेगेटिव। आपको ये पता है कि आपके पास जो स्मॉल साइज होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होंगे तो आपके पास क्या होगा, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह क्या रिप्लेस हो गया आपके पास, NH4 पॉजिटिव, तो साइज किसका बड़ा है आपके पास, NH4 पॉजिटिव का साइज बड़ा है, तो जो स्पीड होगी H पॉजिटिव आयंस की ग्रेटर देन होगी NH4 पॉजिटिव से। ठीक है, तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी आपके पास, H पॉजिटिव आयंस की होगी, NH4 पॉजिटिव की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो ये साल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे HCl के साथ NH4OH की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो NH4OH है
वो हमारे पास डिसोसिएट होगा तो वो क्या होगा, एनएच फोर पॉजिटिव प्लस ओएच नेगेटिव। पर ये तो हमारे पास वीकली आयनाइज्ड है, वीकली आयनाइज्ड है तो इसकी कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है एंड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड हम लेते हैं एसिटिक एसिड, वीक बेस हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्ड होगा, अमोनियम एसिटेट CH3COONH4+ पॉजिटिव प्लस H2O। तो H2O है ये वीकली आयनाइज्ड है। जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और यहाँ पे कंडक्टेंस। जब हमने NH4OH की ड्रॉप्स ऐड ही नहीं करी एसिटिक एसिड में टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो हमारे पास एसिटिक एसिड क्या है, वीकली आयनाइज्ड है, तो उसकी लो कंडक्टेंस होगी, उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज है तो उसकी लो कंडक्टेंस। फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्ड हो जाता है, NH4OH ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा, उसके बाद हम NH4OH ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वीकली आयनाइज्ड है, वो कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या होगा, एंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बीच में करोगे स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया NaOH, मिक्सचर है हमारे पास HCl का और एसिटिक एसिड का, तो NaOH रिएक्ट करेगा हमारे पास HCl के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट किया था हमने, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH वर्सेस कंडक्टेंस, तो HCl की कंडक्टेंस हमारे पास ज्यादा होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा। अब हमारे पास NaOH की क्या हुआ, ड्रॉप्स ऐड करी हमने मिक्सचर में, तो हमारे पास NaCl फॉर्म्ड हो गया, तो उसकी कंडक्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे HCl के साथ कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी NaOH की, उसके बाद उसका स्लाइटली डिक्री इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट एंड पॉइंट है। फिर वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड के साथ प्लस NaOH, तो ये आपको देता है सोडियम एसिटेट COONa प्लस H2O। H2O क्या है, वीकली आयनाइज्ड है आपके पास। ठीक है, तो उसमें आपके पास जब NaOH की ड्रॉप्स उसमें ऐड नहीं हुई तो आपके पास क्या होगा, CH3COOH, उसकी कंडक्टेंस लो हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज तो उसकी कंडक्टेंस भी लो, तो आपके पास कंडक्टेंस लो होगी। फिर उसमें NaOH जब आप उसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनने से उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब वहां पे वो कंप्लीट रिएक्शन कर जाए एसिटिक एसिड के साथ NaOH, तो वहां पे हमारे पास NaOH किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आ जाने के कारण हमारे पास इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ये इसका हो जाता है सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये है हमारे पास वीक एसिड का एंड पॉइंट। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ ए साल्ट ऑफ ए वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। साल्ट आप ले रहे हो वीक एसिड का साल्ट है सोडियम एसिटेट CH3COONa पॉजिटिव प्लस एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो आपके पास क्या बना, एसिटिक एसिड प्लस एन ए पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। तो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी ये हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट हमने ले लिया, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, टाइट्रेशन हमारे पास वीक एसिड बन गया और बाय डिस्प्लेस्ड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हाईली आयनाइज्ड है हमारे पास, तो
CH3COONa की जगह क्या रिप्लेस हो गया, NaCl रिप्लेस हो गया. CH3COO नेगेटिव आयंस की जगह क्या रिप्लेस हो गया, Cl नेगेटिव आयंस रिप्लेस हो गया. तो दोनों आयंस ऑलमोस्ट सेम आयनिक कंडक्टेंस आपको देंगे, तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट. तो आपके पास ये कॉन्स्टेंट बनेगा. फिर आपके पास एंड पॉइंट हो जाने के बाद HCl की एडिशन करोगे उसमें, तो आपके पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू H पॉजिटिव आयंस की वजह से. ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा. फिर आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने टाइट्रेंट करवाया KCl से, KCl हमने ब्यूरेट में लिया, तो हमारे पास फॉर्म हो गया AgCl प्रेसिपिटेट प्लस K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. तो आपके पास जो AgNO3 की जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड्स करती है कंसंट्रेशन पे. KCl की जब आपने ऐड करना स्टार्ट किया तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए. प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म हो गए, AgCl के फॉर्म हो गए. तो देखेंगे कि हमारे पास AgNO3, तो ये देखिए NO3 है हमारे पास यहाँ पे, तो NO3 नेगेटिव कॉमन हो गया, Ag पॉजिटिव की जगह क्या रिप्लेस हो गए, K पॉजिटिव आयंस. तो इसकी जो मोबिलिटीज होती है आपके पास Ag पॉजिटिव की और K पॉजिटिव की, वो आपके पास नियरली इक्वल होती है, आयनिक मोबिलिटीज इक्वल होती है. ठीक है, तो आपके कंडक्टेंस क्या होगी, रिमेंस कांस्टेंट होगी. जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कंडक्टेंस क्या है इसकी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट. जब उसके बाद आप KCl और ऐड करना चाहोगे कंप्लीट रिएक्शन के बाद, तो उसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव आयंस आने के कारण उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये आपके पास हो गया एंड पॉइंट. यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एल्काइली ऐड कितना किया है टाइट्रेंट, और यहाँ पे इसकी कंडक्टेंस. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इसकी एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. इट डज नॉट रिक्वायर इंडिकेटर्स एज टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. ये इंडिकेटर्स को रिक्वायर नहीं करता, ये कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पे बेस्ड है, एंड एंड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को ये डिटरमाइन करता है ग्राफिकली. ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका हमारे पास, इट इज सुटेबल फॉर कलर्ड सॉल्यूशन एज वेल. ये सुटेबल हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन के लिए भी है, सुटेबल फॉर कलर्ड सॉल्यूशन एज वेल. थर्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट विद मिनिमम एरर देता है ये हमें.